गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम GVPS ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 9 के सब्जेक्ट ऐसे सेक्शन सी हिस्ट्री के चैप्टर 3 को आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़े हैं, टुडे वी डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल रेडियलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, राजनीतिक परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। विद द बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक कोइंसाइडेड विद द रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ द स्पार्टिस्ट लीग ऑन द पैटर्न ऑफ बोल्शेविक रिवोल्यूशन इन रशिया। हम लोग देखते हैं जैसे ही वाइमर रिपब्लिक का जन्म हुआ, साथ ही साथ बहुत सारे जो रेडिकल ग्रुप थे, इन्होंने एक अलग से लीग बना ली जिसको स्पार्टिस्ट लीग के नाम से जाना जाता है। और ये जिसे रशिया में बोल्शेविक लोगों ने क्रांति की थी, उसी आधार पर इन्होंने भी बगावत शुरू कर दी और सोवियत स्टाइल में वर्कर हो गए, सेलर हो गए। इन्होंने बहुत सारे शहरों में सोवियत जिसको काउंसिल के नाम से जाना जाता था, काउंसिल बनाना शुरू कर दिया। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑफ द स्पार्ट रेडिकल ग्रुप रैली, रेडिकल ग्रुप के द्वारा एक रैली की गई जिसको आप पिक्चर में आप देख सकते हैं। 1919 में ये रैली की गई थी और इन्होंने एक अलग से रेडिकल ग्रुप को स्पार्टिस्ट लीग के नाम से भी जाना जाता था। और ये लोग बर्लिन में धीरे धीरे लोगों ने मांग शुरू कर दी, राजनीतिक आधार पर लोगों ने मांग शुरू कर दी कि सोवियत संघ जैसे कम्युनिस्ट सरकार, उसी तरह जर्मनी में मिश्र की सरकार बने। और इसका विरोध खास करके वाइमर रिपब्लिक वाले लोग, खास करके इसके समर्थक कौन थे, सोशलिस्ट हो गए, डेमोक्रेट हो गए एंड कैथोलिक, ये लोग वाइमर रिपब्लिक गणतंत्र के समर्थक थे। और इन्होंने वार युद्ध के जो अनुभवी लोग थे, जिन्होंने फ्री कॉर्प नामक संगठन बना लिया था, इसकी मदद से इन्होंने रेडिकल ग्रुप के आंदोलन को कुचल दिया। और बाद में स्पार्टिस्ट लीग के लोग बहुत दुखित हुए और उन्होंने जर्मनी में एक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। और देखते हैं हम लोग, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट एक दूसरे के घोर विरोधी थे और इन्होंने ये लोग हिटलर के विरुद्ध एक कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठा सके। बाद में रिवोल्यूशनरी और मिलिटेंट नेशनलिस्ट जो थे, क्रांतिकारी विचारधारा के राष्ट्रवादी थे, इन्होंने ये चाहते थे कि जर्मनी में एक बहुत ही अच्छी सरकार बने और एक अच्छी विचारधारा लागू की जाए और जर्मनी बहुत बड़ा बदलाव लाया जाए। लेकिन सबसे हम लोग देखते हैं पोलिटिकल रेडियलिज्म में ये इकोनॉमिक क्राइसिस के रूप में खास करके हमें देखने को मिलता है 1923 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी एक तरह से डिमिलिटलाइज कर दिया है, आर्थिक रूप से और सैनिक रूप से इसको कमजोर बना दिया गया था मित्र राष्ट्रों की तरफ, खास करके जर्मनी आपका हो गया है ये इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया के द्वारा। और इसको जर्मनी को युद्ध अपराधी घोषित किया गया और उसको क्षतिपूर्ति के रूप में युद्ध अपराधी घोषित किया गया। इसी कारण क्षतिपूर्ति के रूप में इसे गोल्ड के रूप में हर्जाना लिया जाता था, जो उसे युद्ध अपराधी के रूप में घोषित करने का कारण। और जो पैसे लिए जाते थे किसके रूप में, गोल्ड के रूप में लिए जाते थे। धीरे एक समय आया गोल्ड रिजर्व जो देश के जर्मनी के पास था धीरे खत्म हो गया। और 1923 में इसने रिपरेशन ये हर्जाना देना बंद कर दिया, इसने कहा कि अब मैं नहीं दूंगा। इसी कारण बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल एरिया, खासकर रूर क्षेत्र जो कोल के लिए बहुत प्रसिद्ध था जर्मनी का ये क्षेत्र है, और इसने फ्रांस ने इस पर अपने उपयोग करना शुरू कर दिया। बाद में जर्मनी ने उसका विरोध स्वरूप उसने क्या किया, रुपया चला दिया गया, रुपये पेपर करेंसी चलाई गई। और धीरे धीरे उसका जर्मनी में उसका वैल्यू रुपये का गिरता गया। और एक समय ऐसा है कि एक डॉलर जो है 24,000 मार्क के बराबर था, मार्क जर्मनी जिसे हमारे यहाँ रुपया चलता है उसी तरह जर्मनी का पैसा करेंसी मार्क है, उसका मूल्य गिरते गया। और एक समय आया कि लाखों करोड़ों रुपए में एक डॉलर मिलता था। और इस तरह देखने को मिलता है कि लोग छोटी मोटी सामान खरीदने के लिए क्या करते थे, खरीदने के लिए गाड़ियों में पैसे लाद कर ले जाते थे और छोटा सा कोई खाने पीने का सामान लेकर आते थे। ये पूरे दुनिया में लोगों ने देखा तो इनके प्रति बहुत ही वर्ल्ड वाइड सिंपैथी हमें देखने को मिलती है, लोगों की शांति पैदा हुई। और इस तरह हम लोग देखते हैं दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है, द सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइज फ्रेनेटिकली हाई, इसमें क्या होता है पैसे के जो
करेंसी उसके मूल्य गिर जाता है और वस्तुओं के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उस स्थिति को हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। ये चीज़ें हमें जर्मनी में देखने को मिलती है। तो धीरे धीरे इस चीज़ से प्रभावित होकर अमेरिका ने इसमें हस्तक्षेप किया जर्मनी को, उसने को जो डाउन प्लान के तहत इसमें जर्मनी को इसे छूट दी गई ताकि आर्थिक रूप से जो जर्मनी एकदम कंगाल हो चुका था उसको कुछ राहत मिल सके। नाउ वी डिस्कस अबाउट द ईयर ऑफ डिप्रेशन। धीरे धीरे जो बदलाव हमें देखने को मिल रहा था, जो आर्थिक संकट हमें दिखाई पड़ रहा था, खास करके इस आर्थिक संकट के बारे में वी डिस्कस अबाउट टुडे। इन द ईयर बिटवीन 1924 to 1928 सा सम स्टेबिलिटी इन जर्मनी। जर्मनी में 1924 से 1928 के बीच को हमें कुछ अस्थायित्व दिखाई पड़ता है। यहाँ पर कुछ उद्योग धंधे इंडस्ट्री शुरू हुई, खास करके अमेरिका यूएसए से लोन लिया गया, कर्ज लेकर के कर्ज लेकर के जर्मनी में उद्योग धंधे शुरू किए गए थे, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल सका ड्यूटी द विड्रॉल वेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका का ये एक शेयर बाजार है जहाँ पर कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते थे। ये 1929 में ये शेयर मार्केट में बहुत बड़ा बदलाव आया और एक तरह से बहुत सारी कंपनियों के शेयर गिर गए। उसमें लोगों ने हड़बड़ी, बहुत सारे जो पैसे लोगों ने जर्मनी के मार्केट में लगाया था वो बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे निकाले। इवन ए सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वेयर सोल्ड इन बेच दिए गए। 13 मिलियन शेयर कंपनियों के एक दिन में बेचे गए थे। इस तरह देखिए जर्मनी की इकोनॉमी एक तरह से एकदम धराशायी हो गई और यहाँ बहुत सारे अमेरिका के लोगों ने पैसे लगाए थे, अपने पैसे उन्होंने निकाल लिए। और इसे इन द नेक्स्ट 23 ईयर्स बिटवीन 1929 to 1932 हम लोग देखते हैं क्या बदलाव होता है। अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है जो एक तरह से आधी रह गई, 1929 जितनी इनकम होती थी और उसका आधा रह गया इसकी इनकम अमेरिका की। फैक्ट्री बहुत सारी बंद, कारखाने बंद हो गए, लोग बहुत सारे जो यहाँ व्यापार होता था सामान बेचे दूसरे दिन भेज जाते थे, एक्सपोर्ट बहुत गिर गया। किसान बहुत तरह बुरी तरह से प्रभावित हुए, उनके जो पैदावार थे उनको मार्केट में बेच नहीं पाते, उनके उचित दाम नहीं मिल पा रहे थे। इस तरह देखते हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है जो प्रभावित हुई आर्थिक संकट में, पूरे दुनिया वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी भी प्रभावित हुई। खासकर जर्मनी इकोनॉमी वॉज द वर्स्ट हिटेड बाई द इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट है जर्मनी की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हुई। 1932 में हम देखते हैं इसकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है 40% रह गया। 1929 में जितना प्रोडक्शन होता उसका 40% ही 1932 में प्रोडक्शन हो रहा था। बहुत सारे कारखाने बंद हो गए, लोग बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए और बहुत सारे लोगों की इनकम छिन गई। बहुत कम ही समय में हम देखते हैं 6 मिलियन पीपल हैव अनएम्प्लॉयड और बहुत सारे बहुत कम समय में ही 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। जर्मनी गलियों में लोग अपने गले में प्ले कार्ड लगा घूमा करते थे और विलिंग टू डू एनी वर्क। स्थिति ये थी, लोग कुछ भी काम करने के लिए चाहते थे, कोई भी काम मिले, कोई काम नहीं मिल रहा। जो भी लोग थे बेरोजगार हुए गलियों में प्ले कार्ड खेला करते थे और गली में बैठा रहा करते थे। जहाँ नौकरी मिलने की संभावना थी वहाँ लंबी लंबी लाइन लगा करती थी। एंड ड्यू टू दिस अनएम्प्लॉयमेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड टोटल डिस्पेयर बिकम कॉमन प्लेस। धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों में क्रिमिनल एक्टिविटी, लोग आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ लोगों का ध्यान ज़्यादा गया, लोग लूटपाट करने लगे और लोगों में निराशा भावना एकदम भर कर गई थी। आर्थिक रूप से देखते हैं जो खासकर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो मिडिल क्लास था वो लोग भी बहुत सारा जो उनको सैलरी उनको मिलती थी या पेंशन मिलता था, उन्होंने देखा कि हमारी सेविंग एक तरह से धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी क्योंकि जर्मन मार्क जो वैल्यू जो करेंसी का वैल्यू बहुत तेज़ी से गिर रहा था। और ये देखे कि एक समय ऐसा आएगा कि खास करके जो बिजनेस छोटे बिजनेसमैन थे जो अपने काम कर रहे थे वो देखे कि एक तरह से ये ऐसा एक समय आ रहा है जो हम लोग एकदम गरीब हो जाएंगे और एकदम खाने पीने को मोहताज हो जाएंगे और जो गरीब लोग हैं इस तरह की स्थिति में हम लोग पहुँच जाएंगे। और जो सैनिक जो पेंशन जो नहीं मिलता था वो भी देखे कि हम बहुत कठिन परिस्थिति में पहुँचेंगे। और एक स्थिति ऐसी आ गई
कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग तो बेरोजगार हो ही रहे थे, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में संगठित क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे थे अब बेचारे बार्गेन नहीं कर सकते थे, बहुत कम आधी सैलरी पर ही उनको काम करना पड़ रहा था। इस तरह देखते बिजनेस क्राइसिस हर जगह दिखाई पड़ रहा था, अब किसानों को अपने पैदावार को उचित मूल्य नहीं मिला था, औरतें वुमेन अनेबल टू फील देयर चिल्ड्रंस स्टमक एंड वेयर फील्ड विथ सेंस ऑफ डीप डिस्पेयर, औरतें अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रही थी, बच्चे भूखे रह रहे थे। एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल स्तर पर भी देखा जाए वाइमर रिपब्लिक में ये सारे बदलाव हमें देख, जो रिपब्लिक था उसमें बहुत सारी चीज़ें जो अनस्टेबल इसको अस्थिर बनाती थी और असुरक्षित बना रहे थे डिक्टेटरशिप, इसी कारण ही बहुत सारे जो एक क्लॉज 49 आर्टिकल 48 था जिसमें इसमें दिया गया था कि वहाँ का प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी लागू कर सकता है और ये अब फंडामेंटल राइट्स को रद्द कर सकता है। और उसे देखते हैं कि किसी भी सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता, कोलिशन सरकार बनती थी, सबको समान प्रतिनिधित्व दिया गया था, ये सारी कमियां थी। इसी कारण देखते हैं कि वाइमर रिपब्लिक एक बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर पाया और धीरे धीरे एक समय आया जिसको हिटलर धीरे धीरे हिटलर हमारे राइज होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू